हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने गेट एक्सेल और BT दोनों ही एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू आदिति। आदिति ने गेट एग्जामिनेशन में एक्सेल एंड BT दोनों ही एग्जामिनेशन को एस किया है। और आइए जानते हैं क्या रही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आदिति की, और जानेंगे कुछ सीक्रेट टिप्स भी है फ्रॉम आदिति। चलिए, सो आदिति, How are you? Hello, sir. Hello, Aditi. I'm fine. So, first of all, congratulations. आपने Excel Thank you BT, so much. Excel and BT दोनों examinations qualify. It's a very nice thing you did. And also, Aditi, will you introduce yourself to our viewers? हमारे viewers जानना चाहेंगे कि आपका education background क्या रहा, आपने कहाँ से पढ़ाई की, and basically आप कहाँ से belong करते हैं, background story before preparation. Yes, sir. So myself Aditi Chitne. I am from Surat, Gujarat. And मैंने अपना BSc and MSc जो है वो biotechnology में किया है from Surat only. Okay. ना कि UPNSU University से. And जब मेरा MSc complete हुआ उसके बाद I decided to pursue जो competitive exams आती है वो मैंने परस्यू करने का सोचा एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSIR और उसके साथ साथ ही मैंने जो दूसरी एग्जाम्स होती है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है उनके लिए भी मैंने प्रिपरेशन चालू की। ओके, दैट्स गुड। सो आप सूरत से बिलोंग करते हैं, गुजरात से? यस सर। ओके ओके, सो गुड। सो आपने BSc MSc बायोटेक से किया है। सो फिर आपने गेट कैसे टारगेट किया, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स आपने गेट में पिक किए फिर? सर, मैंने यही सोचा था कि गेट एक्सेल के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं बायोकेमिस्ट्री जो है वो मैं टारगेट करूं क्योंकि वो CSIR के लिए भी कॉमन ही रहता है एंड बाकी दूसरा मेरा जूलॉजी जो सब्जेक्ट है एक्सेल का वो स्ट्रांग था तो मैंने सोचा कि मैं उसे भी अच्छे से और प्रिपेयर करूँ और मेरी CSIR की प्रिपरेशन चल ही रही थी तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ गेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हाँ, बेसिकली सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो स्टूडेंट्स है सबसे पहले बच्चों को टारगेट करना चाहिए जो मेन एग्जाम है हमारे ऑल इंडिया का, जो मेन एग्जाम दैट इज CSIR ओनली, एंड थ्रू CSIR एक्चुअली उसकी प्रिपेयर करें तो उसी के साथ साथ में गेट की प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट 70-80% हो जाती है, कंसेप्ट वाइज हो जाता है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने अगर जूलॉजी पिक किया है तो एक क्लासिकल जूलॉजी का पार्ट, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कुछ क्लासिफिकेशन, एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, और जो फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन, चलो ठीक है कुछ फिजियोलॉजी का पोर्शन यूनिट नंबर 7 से हो गया CSIR का, पर बाकी पोर्शन आपको करना पड़ता है फ्रॉम एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू कंपैरेटिव करके, तो कुछ पार्ट नया रहता है, बट ऑलमोस्ट जैसा कि बायोकेमिस्ट्री है वो सिमिलर आ गया है ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो बेसिकली बच्चों को टारगेट इसी फॉर्म से करना चाहिए, CSIR के थ्रू ही टारगेट करें तो सबसे बेस्ट है। और ऑल्सो CSIR का ही बेनिफिट भी है कि हर 6 महीने में हो जाता है, गेट का एग्जामिनेशन है इफ यू आर ना डोंट गेट इन टू दी गेट IITs एंड ऑल, सो हमें एक साल का वेट करना पड़ता है, वहीं CSIR 6 महीने में हो जाता है। प्रिपेयर करें आपने तो गेट निकल जाता है, जैसा कि आपने भी निकाला है गेट एक्सेल एंड BT। BT आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहा होगा, आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही, और इस बार का जो पेपर का लेवल था सर वो भी काफी कंपैरेटिवली इजी रहा है एज कम्पेयर टू जो मैंने PYQs वगैरह फॉलो किए थे। हाँ, उनके काफी उससे काफी इजी लगा मुझे इस बार का जो लेवल था वो, तभी कट ऑफ भी ज्यादा गया इस बार है ना, थोड़ा ऐसा काम वो एक थोड़ा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट रहा क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी मेरी रैंक। हाँ, वही लास्ट टाइम जब 70s के मार्क्स के अंदर टॉप 10 में रैंक थी, इस बार 70s के अंदर 20-30-40 तक रैंक गया, सो रैंक पीछे चला गया क्योंकि क्वेश्चंस मैंने भी देखे जो जनरल बायोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, और जो कोर बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था वो थोड़ा कम हुआ। NIT में कोर बायोटेक था, बट जो है ना MSQ और MCQ क्वेश्चंस थे वो काफी सारे क्वेश्चंस आपके इस बार जनरल पूछे गए है ना, तो बहुत जनरल पूछे गए, तो बाकी आप कंफर्टेबल रहे बायोटेक, वो बात एक सही है कि जैसे भी अपने गेट में ऑप्शंस पिक करें या फिर मतलब जो सब्जेक्ट्स चूज करें तो उसके अंदर BT तो चलिए आपका बायोटेक था ही, और एक्सेल के अंदर वही चूज करें जो हमारा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोटेक रहा था तो आपने CSIR के बेसिस पर पिक किया, दैट इज ऑल्सो फाइन बाय इट। सो आप CSIR की प्रिपरेशन, देखिए गेट का एग्जामिनेशन तो हो चुका है, तो क्या आप अभी भी CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी दिसंबर का दिया आपने एग्जाम?
यस सर जी, मैंने अभी सीएसआर का लास्ट अटेम्प्ट दिया था एंड उसमें थोड़ा कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से रह गया, कोई सो बात इस नहीं, साल इस मैं बार आप टारगेट कर रही हूँ कि जून जून का में हो जरूर जाए। यस डेफिनेटली। एंड लास्ट ईयर मैंने इधर ही गुजरात की जो सेट एग्जाम आती है वो भी टारगेट की थी एंड आई क्वालिफाइड विद गुड मार्क्स इन दैट ओके ऑल्सो। दैट्स वेरी गुड। सो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हैं ही, है ना? जी बस अब सर, आप जेआरएफ ले लीजिए सीएसआर के साथ में एंड दैट्स फाइन, है ना? एम तो सब कुछ। सर पीएचडी का ही है, सो आई हाँ विल प्रिपेयर देखिए, फॉर पीएचडी दैट। तो करिए ही, अगर आपका गोल रिसर्च में हो चाहे प्रोफेसरशिप में हो, दोनों में ही गोल क्यों ना हो, पीएचडी तो करना ही है ना? जी तो वो सर तो फाइनल है ही, क्योंकि बिना पीएचडी के तो आपको अगर प्रोफेसर लग भी गए तो प्रमोशंस नहीं होते हैं, तो जी सर पीएचडी तो मस्ट है। और हमारी फील्ड में पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर यू विल हैव टू पब्लिश पेपर सो दैट आप बाकियों से यू नो आगे रहें, हमेशा आगे ही रहना है ना, बाकी से बाकी कोशिश तो यही रहे। तो आदिति देखिए, आपने प्रिपरेशन किया अकॉर्डिंग टू सीएसआर, अब सीएसआर के अलावा आपने गेट की प्रिपरेशन किस तरीके से की, लाइक अदर देन सीएसआर, सीएसआर का आपने प्रिपेयर किया बट अदर देन दैट गेट में एक्स्ट्रा चीजें क्या किया आपने? सर गेट के लिए तो मैंने क्योंकि सीएसआर कंप्लीट हो गया था दिसंबर में, हाँ फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सिर्फ 1 month ही बचा था गेट के हाँ लिए, बिल्कुल। सो उसके लिए मैंने जो आईएफएस के चैनल है उस पे गेट एग्जाम प्रेप है उसका उसके वीडियोस फॉलो करना चालू किया, जो अलग अलग एग्जाम मैपिंग सीरीज आ रही थी हाँ एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज थी उनको मैंने बहुत ज्यादा फॉलो करना चालू किया क्योंकि लास्ट 1 month में इतना टाइम नहीं बचा था, सो उनको मैंने ज्यादा फॉलो किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई किया एंड लास्ट में मैंने मेरी स्ट्रेटेजी जो थी वो पीवाईक्यू उसके द्वारा मैंने टारगेट करने की ट्राई की इस एग्जाम को, कि पीवाईक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनकी मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की एंड उसी के बेसिस पे काफी सारे मेरे जो कॉन्सेप्ट सीएसआर के टाइम पे नहीं सॉल्व हुए थे वो इसके द्वारा हो गए, जैसे बायोकेमिस्ट्री जो था वो मेरा काफी वीक चल रहा था, सो ये एग्जाम करने के बाद मेरा बायोकेमिस्ट्री पोर्शन जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया अरे वाह एंड नाइस। जो गेट एग्जाम प्रेप का आपका जो चैनल है आईएफएस का उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। ओके थैंक यू सो मच। इस बार गेट एग्जाम प्रेप में काफी सेशंस थे तो, जी है सर ना? तो एग्जाम मैपिंग सेशन भी 2 वीक चला था, अंतिम वार भी 2 वीक चला था आई गेस, एंड देन मॉक टेस्ट भी थे, बीटी के तो मॉक टेस्ट भी हुए थे, ममता ने मॉक टेस्ट लिए थे बीटी के, जी सर हाँ हाँ है ना? वो सब सो मैंने सारे सेशंस को अटेंड किया था और थोड़ा कभी फोकस हिल भी जाता था बट फिर मैं वो रिकवर कर लेती थी तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या रहता है कि, है ना, रेगुलर सेशन होते हैं तो आपके पास में एक टारगेट होता है कि अब सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे का सेशन चल रहे थे स्टार्टिंग में, जी सर तो फिक्स रहता है कि आप सुबह उठेंगे 9 बजे सेशन अटेंड करेंगे, 9 से लगभग वो 1 बजे तक चलता था सेशन, तो अराउंड 12-1 बजे तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, देन आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, शाम को फिर से सेशन हो रहा है। सो उसकी प्रिपरेशन क्या है कि कंटिन्यूअसली चलती रहती है, फ्लो बना रहता है पढ़ाई का, और इसी तरीके से धीरे धीरे एग्जाम भी आ ही जाता है, पता ही नहीं चलता हर एक वीक के सेशन चलते चलते। सो अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी, आपने सीएसआर प्रिपेयर किया, फिर आपने आईएफएस को फॉलो किया, यूट्यूब को तो भी एक अच्छी रैंक स्कोर किया, दैट्स रियली नाइस। सो आदिति, लाइक आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपने स्टार्ट किया था सीएसआर प्रिपरेशन और यस मास्टर? सर मेरा मास्टर्स लास्ट ईयर में जून जुलाई में ही कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया कि मैं सीएसआर को ज्यादा फोकस करूं, 6 महीने में उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करूं एंड उसको मैंने परस्यू करना चालू किया थ्रू यूट्यूब ओनली सेल्फ स्टडी एंड उसको फिर मैंने फिर जैसे ही जी सेट और उस सब की भी दूसरी एग्जाम्स भी आई तो मैंने उनको भी टारगेट करना स्टार्ट किया साथ में ही, तो सी एस आर की वजह से काफी सारे मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते गए, सो फिर लास्ट का 1 month जो था जनवरी का वो मैंने पूरी तरह से गेट के लिए डेडिकेट कर दिया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन जनवरी। ओ नाइस। तो अभी आप डीबीटी टारगेट कर रहे हैं आदिति? जी सर चलो डीबीटी के लिए अभी मैं प्रिपरेशन चालू ही है चलो एंड अच्छा। ऑल्सो आई एम टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर्स मतलब सीएसआर का हाँ जो हाँ 2024 का है हाँ हाँ जून वही का मैं बिल्कुल टारगेट कर सर। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द टाइम, है ना? ये पीक टाइम है, आपकी प्रिपरेशन सीएसआर की हो रखी है, तो अभी आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम फ्रेश है, तो जो भी एग्जाम्स निकले आप दीजिए, ठीक है? डीबीटी दीजिए, डीबीटी के बाद में सीएसआर आ जाएगा, उसको तो एकदम पूरे फोकस से दीजिए, एंड जेआरएफ निकाल लिया देती है ना इस बार अच्छे से, अच्छी जी रैंक सर से। श्योर सर सो
आपने लाइक ना प्रिपेयर किया फ्रॉम गेट ग्रेट प्रेप ओनली, सो कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे जो आपने लीव किए छोड़े, या फिर कुछ ऐसे कोई टॉपिक्स जो कि आपने अच्छे से नहीं प्रिपेयर किए, और ऑलमोस्ट आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया था इसमें फ्रॉम सेशन? मैंने मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे गेट के उन पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया था। थोड़ा बॉटनी वाला जो पोर्शन था वो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एक्सेल के केस में, तो मैंने इसलिए जूलॉजी ऑप्ट किया क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट भी है एंड आगे जो मैं पीएचडी के लिए भी अगर अप्लाई करूंगी तो आई विल टारगेट फॉर दैट ओनली। तो इसीलिए मैंने जूलॉजी को मेन सब्जेक्ट बनाया एंड ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री, एंड उसके थ्रू ही मैंने ट्राई किया कि मैं उन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस रखूं। मैंने माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ा था, तो इन दोनों को सबसे ज्यादा मैंने प्रैक्टिस की इनकी। एंड गेट बीटी की तो पूरा मतलब जनरल बायोटेक और जो पूरा अलग अलग सेक्शंस हैं उनके, उन सबको उनमें से भी मेन टॉपिक्स को सबसे पहले फिल्टर किया एंड उनको सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया। एंड देन पीवाईक्यू उस पर फोकस किया। रोज डेली मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करती थी ताकि मैं जो पढ़ रही हूँ उसका मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मतलब पीवाईक्यू मेरे से हो रहे कि नहीं हो रहे, वो मैंने उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया। एंड पीवाईक्यू रोज डेली प्रैक्टिस करते करते मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन गई थी सब्जेक्ट्स पे। ओके, दैट्स गुड, काफ़ी सही स्ट्रेटजी है आपकी। ऑब्वियसली पीवाईक्यूज करते रहने चाहिए और थ्योरी भी करते रहें, तो उससे क्या है कि पता चलता है कि वेयर डू वी स्टैंड बेसिकली, और कुछ क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जा रहे हैं, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वही उससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं, आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ पता चलती है। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट वेयर यू हैव टू सॉल्व पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट। सो आदिति, लाइक यू डिड दैट, एंड आपका फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक आपने पढ़े तो सारे ही हैं, तो कोई ऐसा टॉपिक या फिर सब्जेक्ट जो आपके लिए सबसे फेवरेट हो आपका, जैसा आपने बताया कि जूलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है, तो जी कौन सा सर। पार्ट, कौन सी यूनिट या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? हाँ सर, मेरे दो मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक तो सेल बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, मतलब ओके, सीएसआर का करते करते उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ आ गया। गया। ओके, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी ओह नाइस। एंड मूल बायो भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल वो सबसे ज्यादा मतलब ऐसे लगते हैं कि हाँ मतलब उसको पढ़ के कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बार कोई एक नई टिप मिलती है, मतलब कुछ नया समझने को मिलता है। तो ये तीन यूनिट्स मेरे बहुत फेवरेट रहे पहले से ही, इसीलिए मैंने उनको ही जूलॉजी में यही सब आते थे तो इसलिए मैने उसी को टारगेट इस किया। बार जूलॉजी में, क्लासिकल जूलॉजी में तो बहुत कम आई थी, मेनली जी जेनेटिक्स, सर, वो एक बायोकेमिस्ट्री और प्लस ज्यादा। पॉइंट रहा सारे एस्पिरेंट्स के लिए क्योंकि क्लासिकल इतना कोई पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर कोर जूलॉजी में चला जाता है। जो मेन जो सीएसआर के थोड़े बहुत नहीं, टॉपिक्स होते हैं उनको ही अगर कर ले तो भी हो जाता है। इस बार नहीं आया है ना, क्लासिकल का पार्ट काफी जी कम आया, सर, देखे मैंने क्वेश्चंस नहीं थे, सो वो तो एक काफी प्लस पॉइंट रहा आपके लिए भी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो अभी आप फिर आगे भी इसी को ही टारगेट करेंगे, मतलब अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहेंगे, रिसर्च में जाएंगे बेसिकली, सो विल यू बी टारगेटिंग सेल बायो, मूल बायो, एंड फ्रॉम जूलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, बायोटेक पॉइंट ऑफ व्यू, उसी तरीके से? यस सर, क्योंकि हमने जब बायोटेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई की थी तो उसमें भी एनिमल सेल कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। मेरा मेन जो एम है वो एनिमल सेल कल्चर और उनकी सेल लाइंस पे और उस सब पे काम करना मुझे ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगता है वो, तो मैं उसी फील्ड में अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहूंगी। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली ऑसम। सही, आपको फिक्स पता है कि आपको क्या करना है, एंड बिल्कुल जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में वर्क करना चाहिए, ताकि क्या रहता है कि उसमें हम लोग ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं, और व्हेन यू हैव फन एट योर वर्क, तो बेसिकली फिर यू डोंट वर्क एट ऑल, लाइक उसके बाद तो फिर वही रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट से करेंगे आप, आपको पसंद आएगा तो आप उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे, और आपको कभी टायर्ड फील नहीं होगा, आपको कभी भी ऐसे बर्डन नहीं लगेगा, सो दैट्स अ गुड थिंग टू जी डू। सर, सो इस प्रिपरेशन के समय में, देखिए CSIR में समय लगा होगा 5-6 महीने, है ना, प्रिपरेशन देन 1 महीने का समय, तो 7-8 महीने की आपकी प्रिपरेशन रही है, तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड में कुछ हर्डल्स आए होंगे, कुछ मुश्किलें आई होगी, परेशानियां आई होंगी, जो कि हम सबकी लाइफ में आती है, तो बेसिकली जी आपके सर, क्या हर्डल्स रहे, और इस प्रिपरेशन के समय में आपने उन हर्डल्स को इस प्रेशर के साथ साथ कैसे हैंडल किया, है ना, किस तरीके से ओवरकम किया?
जी सर, तो मैं मतलब एमएससी के टाइम से ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वहाँ पे जॉब करती थी ओके एंड आई कंटिन्यूड द जॉब. और इवन सीएसआईआर का जब प्रिपरेशन चल रहा था मेरा, तब भी मैंने वो जॉब कंटिन्यू ही रखी थी. तो ओके मतलब काफी बार वो जो चीज थी, वो दोनों को मैनेज करना, स्टडीज को और जॉब को मैनेज करना काफी स्ट्रेसफुल हो जाता था. बट स्टिल आई ट्राइड टू गिव माई बेस्ट. मैंने जितना भी मेरा फ्री टाइम था उसमें मैं जो भी मतलब जो भी बेसिकली मैं एंटरटेनमेंट में जो निकाल देती थी उसको मैंने अपनी स्टडीज पे लगाने का ज्यादा फोकस किया कि मैं उतना टाइम कट करके अपने स्टडीज पे फोकस करूँ. सो अपार्ट फ्रॉम जॉब मैंने ट्राई किया कि मेरा जो फ्री टाइम है उसमें से भी मैं स्टडीज को डेडिकेट करूँ. एंड फिर थोड़ी बार कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा फोकस जो होता था वो भी डिस्ट्रैक्शंस होते थे तो उनकी वजह से हिल जाता था. बट तो भी मैंने ट्राई किया कि नहीं, अंदर से वो एक जुनून था कि करना ही है, सीएसआईआर भी करना है और बाकी सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई करनी है. तो फिर मैंने अपने आप को पुश किया ताकि मैं और ज्यादा अच्छा कर सकूं और जो मेरे गोल्स हैं उन तक पहुंच सकूं. इवन मेरे पेरेंट्स ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया मेरी जर्नी में और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है. तो बस मैंने फिर अपना जो जुनून है वो नहीं छोड़ा सीएसआईआर के लिए स्पेशली. तो मैं अभी भी उसके लिए लगी पड़ी हूँ. दैट्स गुड, दैट्स गुड। डेफिनेटली आप है ना अच्छा टारगेट कर रहे हो और आप गोल को अचीव करोगे ही करोगे। एंड ये देखिए मेहनत खराब नहीं जाती है कभी भी। आपने देखा होगा कि आपकी सी एस आर की प्रिपरेशन, सी एस आर के एग्जाम में हो सकता है कुछ है ना 19-20 का फर्क रह गया हो, लेकिन वही प्रिपरेशन गेट में काम आई है। और जो आपने जी गेट में कंसेप्ट क्लियर किया, आपने कहा कि बायोकेमिस्ट्री आपकी और स्ट्रांग हो चुकी है, तो वही कंसेप्ट गेट में की गई मेहनत आपकी सी एस आर में भी काम आएगी। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और वो पे करेगी आपको। जो आपने मेहनत की है इतनी सारी, वो आपको पक्का ही रिजल्ट्स देंगी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। यस सो आदिति, अगर हम लोग बात करें लाइक पढ़ाई के अलावा, सो व्हाट आर योर हॉबीज अदर देन स्टडीज? ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो करते हैं हम लोग, तो बच्चों का यूं भी रहता है कि थोड़ा माइंड कूल ऑफ करने के लिए अदर देन स्टडीज भी थोड़ा ब्रेक जरूरी है। तो आप ब्रेक्स कैसे लेती हैं? यस सर. ब्रेक्स में तो जनरली कभी मुझे बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस फील होता था या फिर ऐसा कुछ होता था तो मैं रात के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे वॉक करने के लिए जाती थी. एंड मेरी बैडमिंटन भी हॉबी है तो कभी अगर ऐसा लगता था तो मैं मेरे ब्रदर के साथ बैडमिंटन खेलने चली जाती थी या फिर ऐसे ही कुछ भी करके मैं अपने जो फोकस है उसको वापस से लाने की ट्राई करती थी ताकि मुझे बहुत ज्यादा बर्डन भी फील ना हो और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए. तो इट्स मैं गुड। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज करती थी कि जिससे मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए और मैं वापस से पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ. बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बेस्ट तैयारी करने का यही तरीका है कि जैसे भी आप 50 मिनट्स, 1 आवर पढ़ते हैं या फिर 1.5 घंटा आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके बाद में एक ब्रेक लेना जरूरी है। बिना ब्रेक किए माइंड फॉग होने लगता है और चीजें ग्रेस्प नहीं होती, याद नहीं रहती। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेक्स लें और अपनी हॉबीज के भी साथ साथ में करें ताकि आपका मन लगा रहे। बिकॉज स्टडी से है ना एकदम वॉश आउट नहीं होना है, एग्जॉस्ट नहीं होना है। अपने आप को एक तरीके से ऐसे नहीं कर देना है कि आपको मन ही ना करे फिर पढ़ने का, इतना अति नहीं करनी है। समय के हिसाब से, टाइम से अपने पढ़ाई करें, देन उसके बाद ब्रेक्स लें है ना, फैमिली वगैरह के साथ में टाइम स्पेंड करें, जैसा आपने बताया वॉक पे जाएं। बहुत अच्छी बात है वॉक पे जाना। अगर वॉक पे जाते हैं तो बेसिकली चीजें और क्लियर होती है, पता नहीं कैसे, लाइक अब मुझे भी नहीं पता कि क्या लॉजिक है, बट जैसे ही अपने वॉक पे जाते हैं तो माइंड बहुत कूल होता है। उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठते हैं तो एकदम रिफ्रेश माइंड से आप लोग पढ़ते हैं। ऑल्सो जो पढ़ रहे हैं वो चीजें भी और ज्यादा एकदम ग्रेस्प होती है ना, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उन चीजों पर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। सो दैट इज गुड है ना, दैट्स रियली नाइस। अच्छा स्वादिति है, जैसा आपने बताया आप गुजरात से हैं, तो एक क्वेश्चन और है मेरा, पर्सनल क्वेश्चन है कि आप चीनी क्यों डालते हो दाल में? मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही, मीठी दाल क्यों खाते हैं? पसंद है सर आपको भी? पता नहीं, मतलब मैं तो गुजराती नहीं हूँ, एक्चुअली अच्छा मैं मराठी हूँ. तो ओके ओके यहाँ पे ओके ज्यादा ऐसा कल्चर है कि हर चीज में ओके चीनी डालना आई और थॉट है उसको. ना कि यू आर फ्रॉम गुजरात ओनली, विच इज आपको पता होगा कड़ी और दाल मीठी, तो थोड़ा सा मुझे भी जी लाइक मैंने सर, भी ट्राई मुझे भी किया वियर्ड लगता है बट हमारे घर में नहीं डालते. ओके ओके नो वरीज। तो आदित्य कंग्रेचुलेशंस अगेन, यू हैव थैंक यू क्वालिफाइड सो दिस मच सर. एग्जामिनेशन एंड वी होप, वी रियली विश कि आप सीएसआर भी क्वालिफाई करेंगे। एंड सीएसआर के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए,
आपके कुछ भी डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस, वी विल ग्लैड टू बी हेल्प यू आउट. एंड कंग्रेचुलेशंस आदिति, फॉर श्योर आप अच्छे से करेंगे आगे, है ना. चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम आदिति, इट वॉज अ नाइस थिंग यू ज्वाइन विद अस. थैंक यू आदिति, थैंक यू. Thank you so much, sir. Okay.